हेलो स्टूडेंट, क्लास ट्वेल्थ में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक्स का जो पेपर आप लोगों के स्कूल में होने वाला है फर्स्ट यूनिट टेस्ट के माध्यम से, तो ये वीडियो आप लोगों की हेल्प काफ़ी कर सकता है। तो चलिए देखते हैं, क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का ये पेपर है और फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड जो चैप्टर आने वाले हैं आपके स्कूल में भी, उसी से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ। सभी क्वेश्चन आप लोगों को करने अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन मल्टीपल है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है जब मार्जिनल यूनिटी इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा, यूटिलिटी निगेटिव होगा। तो ये चार में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी, या मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होगी। तो चार में से कोई एक सही होगा। सेकंड क्या कह रहा है, द डिमांड ग्राफ, डिमांड कर्व की बात हो रही है, तो कर्व जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ कह रहा है किस प्रकार से बनता है, स्लोप्स डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, हॉरिजॉन्टल पैरेलल होगा, वर्टिकल पैरेलल होगा, क्या सही लगता है आपको, ये आपको टिक करना है। एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ बेसिकली, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली कैसी हो सकती है, द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन, द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, द प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज। चार में से कौन सा सही होगा, आप लोगों ने एक चार्ट पढ़ा होगा। प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम्स याद कीजिएगा, वही आपको अच्छे से तैयार करके आनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू, देखिए कमोडिटी रेफर्स टू डिमांड किस पर रेफर करेगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी पर, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी गिवन टाइम पीरियड की बात करें, या फिर क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट द गिवन टाइम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चार में से कोई एक सही है। यहाँ पर पीपी कर्व क्या होता है ये आपको बताना है, कैसा होता है, स्लोप अपवर्ड होता है, स्लोप डाउनवर्ड एंड कनकेव होता है, स्लोप डाउनवर्ड एंड कॉन्वेक्स होता है, स्लोप डाउनवर्ड एंड मेकिंग स्ट्रेट लाइन। चारों में से कोई एक सही होगा, ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन इकोनॉमी होता क्या, इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा और इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप लोगों को इकोनॉमी की मिल जाएगी अपनी स्टार्टिंग वाले चैप्टर में ही। सेकंड, व्हाट इज़ डिमांड, देखिए डिमांड के बारे में क्या आप सब जानते हो, डिफाइन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमिक, ये आप लोग बुक से ही देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग नोट आसानी से प्राप्त कर सकते हो, नंबर मैंने प्रोवाइड कर रखा है 9120255555, आप लोग इससे जो है नोट्स के लिए भी क्वेरी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज मीन बाय द इंडिफरेंस कर्व, क्या कहलाते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर जरूर पढ़ के जाइएगा, जरूर आता है बोर्ड में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है ये बताना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग, या फिर डिटरमाइन करते हैं डिमांड ऑफ द कमोडिटी को। और थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, देखिए पीपी कर्व क्या होता है अभी आप लोगों ने पढ़ा था, इसका पूरा नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब जो दो क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट टेस्ट के वो है, पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डिमांड स्ट्यूल एंड कर्व्स स्टेटेड एजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस, तो इसको समझाना है, अगर ये नहीं आता आप लोग फिलहाल तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक्सप्लेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखिए एक्सप्लेन कीजिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है और व्हाट आर देयर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की मेन कॉजेज होती हैं वो भी आप लोग को बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर था जो बोर्ड में भी आप लोगों की सहायता कर सकता है, तो इसको शेयर जरूर कीजिए जिसमें सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो जरूर पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।